रिंग रोड पहुंच गया है सर। वैसे कौन से हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं आप लोग? कार्ट रोड हॉस्पिटल में। जहां पर क्राइम हुआ है वहां पर कौन कौन है अभी? SI गोपाल और SI मधुमति दोनों स्पॉट में हैं सर। सिग्नल को बंद करके एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए। आपका नाम जानकी है? हाँ जी। और आपके पति का नाम आकाश? हाँ। शादी कब हुई थी आपकी? 2 हफ्ता हो गया। ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? हम 6 साल से प्यार कर रहे हैं, माँ बाप ने शादी कराई है। आपके पति की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से दहेज के लिए कोई क्या आपको टॉर्चर किया? नहीं। कल आपके और आपके पति के बीच में झगड़ा हुआ था क्या? नहीं। तो आखिर आपने उसे क्यों मारा? तुमसे सवाल कर रहा हूं मैं तुमसे। अगर कुछ भी नहीं था तो 6 सालों से प्यार किए पति को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? क्यों मारा? आकाश, और कितनी दूर जाना है? बेंगलुरु में घर लिया है तो डॉलर्स कॉलोनी या बेसवेस नगर में लिया होगा, मैं तो यही सोच रही थी। माँ, यहाँ से 30 किलोमीटर में बेंगलुरु है। आज का भाव और पोल्यूशन को देखकर कोई भी सिटी के अंदर घर नहीं लेता है माँ। रिंग रोड पकड़े तो 20 मिनट में मैं ऑफिस पहुँच जाता हूँ। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरी बहू शहर में नहीं आई है। अगर अर्जेंट हो तो कैब मिलेगा क्या, बताओ जरा। पापा, बस यही एक प्रॉब्लम थी, गाड़ी नहीं थी तो बहुत तकलीफ थी। कैब या टैक्सी में जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, एक हफ्ते का सारा सामान पहले से लेकर रखना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, यहाँ सिर्फ 3 फैमिली रहती हैं। वहाँ एक फैमिली है लेकिन वो लोग किसी से बात नहीं करते। यहाँ पर मेरा फ्रेंड मोहन है, मैं और वो एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मोहन,
मोहन, जो भी हो लेकिन अच्छा है बेटा, कितनी शांति है यहाँ पर। हाँ लेकिन अभी तुम आ गई तो पता नहीं क्या होगा फिर। स्टॉप इट चंद्रू। ठीक है घर आ गया है। ठीक है उतरती हूँ। मेम साहब आ गई। नमस्ते मेम साहब। पापा, ये गोविंद है। नमस्ते साहब। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते नमस्ते मेम साहब। यहाँ पर जब से काम शुरू हुआ तब से ये लोग यहीं पर हैं। सारा काम यही लोग करते हैं। ठीक है ये लो। दीजिए सर। क्या है राधिका? मोहन वो आकाश है ना, और आकाश की फैमिली वाले आए हैं ना। रुकिए रुकिए, आरती उतारूंगी आप सबकी। मैं आरती उतारूंगी। ठीक है। मंगल आरती उतारो रे आकाश और जानू रे। अंदर आइए मेम साहब, पहले दायां पैर अंदर रखना। तुझे बोर हो रहा है बोल के मेरा सिर खा रही थी, अभी मेरी फ्रेंड फैमिली आ गई। अच्छी कंपनी मिलेगी ना, अब खुश हो ना। अरे नारियल तो काला निकल गया। ये कैसे हुआ? थैंक्स बेटा। राधिका क्या है मोहन? इसको देखो, दो ब्रेकफास्ट लिए जा रहा है। अरे एक उसके लिए, एक दादाजी के लिए। क्या दादा के लिए? दादा आओ, मुझे देर हो रहा है, नाश्ता करो, स्कूल जाना है मुझे। आप नाश्ता नहीं खाओगे क्या? मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता, मुझे स्कूल जाना है, जल्दी आइए ना। ये आखिर किससे बात कर रहा है? अरे मैंने कहा था ना, अपने दादा से बात करता है ये, यानी कि पापा से। एक हफ्ते से उनके साथ खेल रहा है ये। आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे ना, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा ना। लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आप थोड़ा टाइम निकालिए ना अपने बच्चे के लिए। दादा आप कुछ भी खा सकते हैं, ये जूस तो पी लो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मोहन, ये तो तरह तरह के खेल खेलता रहता है। कोई दूसरा खेल खेल लिया तो ये खेल भी भूल जाएगा। तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें स्कूल जाना है। हम? पर हम क्यों जाएंगे? अरे आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, आप भूल गए क्या? दादा अब आप मुझे ज्यादा वेट मत करो, जल्दी से ये जूस पी लो। क्या देख रही हो? घर अच्छा है ना? क्यों, रोज यहाँ पार्टी करते हो क्या? पार्टी? क्या पार्टी? घर में ड्रिंक की स्मेल आ रही है। ड्रिंक की स्मेल? कहाँ, मुझे तो नहीं आ रही है। पीने वाले को नहीं महसूस होता, फिर से पीना स्टार्ट कर दिया क्या? हे, मैंने कब से पीना स्टार्ट किया, तुमने देखा है क्या? दोबारा अगर पिया ना तो। पिया तो क्या करोगी? तुम्हें तुम्हें जान से मार के जेल चली जाऊंगी। ओह तुम मुझे मारोगी? बेटी जानू ये लो, इसे डिब्बे में रख दो। ठीक है माँ। अरे ये क्या है बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसे खुल गया? माँ ये मार्केट से आया हुआ डस्टबिन है, इसमें एक सेंसर है, कोई पास में जाता है तो ये अपने आप खुल जाता है, और जैसे ही दूर जाएंगी अपने आप बंद हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, आप दूर उठिए। रेडी 1 2 3 ये देखिए। बहुत अच्छा है ये। अरे सेम टू सेम तुम्हारी माँ की तरह। हाँ जब वो दूर रहती है तो चुप हो जाती है, और पास आती है तो मुंह खोल देती है। पापा आप दोनों हमेशा लड़ते हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। चलो घर चलो। बहुत अच्छा है बेटा। आकाश बाहर से देखकर लगता नहीं था कि ये घर इतना बड़ा है, लेकिन सच में ये घर तो बहुत बड़ा है। कितना स्क्वायर फीट होगा ये? बस 4,500 स्क्वायर फीट है। घर बड़ा खरीदना बड़ी बात नहीं, उसको मेंटेन करना बड़ी बात है। खरीदने के 2 दिन बाद सब पता चल जाता है, समझ गए? हाँ। चलिए रूम दिखाता हूँ। चलो बेटा। अरे? अरे ये क्या, फैन भी सेंसर सिस्टम से करा दिया? ये सिर्फ फैन नहीं है। माँ आप अंदर जाओ। मैं जाऊँ? जाओ माँ। अरे अंदर जाओ, मैं अकेली जाऊँ? जाओ माँ। अरे? अरे क्या ये लाइट भी ऑटोमेटिक है? हाँ माँ।
हम घर में जहाँ जाएंगे वहाँ लाइट ऑन ऑफ होती है और इसका बिल भी ज्यादा नहीं आता है। फैंटास्टिक। सुपर बेटा, ये घर बहुत अच्छा है। अच्छा, इस घर में और क्या विचित्र है? अरे तुमसे बढ़कर विचित्र कौन है प्यारी? स्टॉप इट चंद्रू। अरे देख लेगा तो क्या होगा? कोई देख लेगा ना। देखने तो जो देखेगा आंख बंद कर लेगा। शर्म नहीं है ना तुम्हें? तुम्हें बेटा, दो दिन में आश्विन माह खत्म होगा, लेकिन तुमने अगर जल्दबाजी किया ना तो तुम्हारे पिता की तरह लड़का होगा। माँ ने देख लिया ना? अरे हे पिछले एक हफ्ते से विक्की किसी से बात कर रहा है और ये ड्राइंग बनाता है। आजकल बच्चे अपने मन की बात हमें ड्राइंग से बता सकते हैं। ये है विक्की के बनाए कुछ ड्राइंग्स, देखिए। सारे ड्राइंग्स में एक चीज कॉमन है, विक्की और विक्की के पास खड़ा एक आदमी। वो आदमी कौन है आप पहचान सकते हैं? इस आदमी को देखने से तो लग रहा है कि इसका चेहरा मेरे पिताजी से मिलता है। ओ, विक्की के दादाजी हैं। विक्की के दादाजी विक्की के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं क्या? नहीं मैडम, विक्की पैदा होने से पहले से चला गया। ओ, I'm sorry. अच्छा एक और बात, विक्की अकेले में किसी से बात भी करता है, ये मुझे कुछ बच्चों ने कंप्लेंट्स किए हैं। वो घर में भी ऐसी हरकतें करता है क्या? वो इस तरह से नए नए खेल खेलता रहता है, कुछ पूछो तो कहता है मैं अपने दादाजी से बात कर रहा हूँ। जनरली बच्चे बड़े होते होते उनके खेल भी चेंज कर लेते हैं, आप चिंता मत करिए इसके लिए। वो बहुत दिमाग वाला लड़का है, he is a clever boy. ये छोटी सी समस्या है मान लीजिए, आप फिर भी उसे चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से दिखा सकते हैं। चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं? नथिंग टू वरी, विक्की को कुछ नहीं होगा। पहले से ही सावधान रहने के लिए हमारे डाउट्स का क्लियर होना और टेंशन फ्री रहना जरूरी है। ये लीजिए, आनंद शर्मा का विजिटिंग कार्ड है ये। He is a child psychiatrist. बच्चों को यही कंसल्ट करते हैं। आप शर्मा जी को एक बार कॉल कर लीजिएगा। आई थिंक ही कैन हेल्प यू। जानू, अगर मैं बेडरूम में नहीं जाता हूँ ना तो वो उधर से वापस आएगी और डस्टबिन की तरह मेरा मुंह खोल देगी। हम चलते हैं। सुनिए, खाना खा लिया ना, उठिए बेडरूम में जाइए। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? इन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। इन्होंने कुछ कहा नहीं और आप लोग ऐसे ही हंसने लगे क्या? मैं जानती हूँ, मुझे कुछ कहे बिना इनको खाना हजम नहीं होता है और नींद भी नहीं आती है। अरे मैंने कुछ नहीं कहा, इन दोनों को अपनी हाल पे छोड़ दो। ठीक है ना बेटा, तुम लोग भी खा के आओ, आराम करो। 10 बज रहा है ना, हम दोनों को भी बिस्तर पे चलना चाहिए। सुनिए, दो दिन तक मैं अपनी बहू के साथ सोऊंगी और आप अपने बेटे के साथ सो जाइए, समझे कि नहीं? ना समझ कहीं के। अरे ऐसी स्कीम भी है क्या? बेटा आई एम सॉरी आकाश, जानू विश यू ऑल द बेस्ट। कल सुबह अगर तुम्हारे कान को सही से सुनाई देगा तो तुम्हारा कान क्यूट है, तुम्हें स्पेशल समाचार सुनने को मिलेगा। मेरी कान इतनी क्यूट है क्यों? समझ में आएगा। स्टॉप इट चंद्रू। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे जाना पड़ेगा।
सॉरी। इधर आओ। कहाँ जाओगी अब तुम? मुझे नहाना है। नहाना है? मैं हेल्प करता हूँ। मैंने भी अभी तक नहाया नहीं है। शावर में हम दोनों साथ मिलकर नहाते हैं तो कैसा रहेगा? अच्छा अच्छा, अब मुझे नहाना है तो बाहर जाओ। चलो जाओ। मैं तो इस लेआउट का पूरा राउंड मार के आ रहा हूँ। ये पूरे गांव जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा है। मुझे बहुत भूख लग रही है। नाश्ता रेडी है ना? हाँ, कब का रेडी हो गया? क्या बनाई हो? डोसा। वाओ बहू, तुमने क्या बनाया? किसकी चटनी बनाई है? टमाटर चटनी पापा। वो गांव से अचार भी है, लेके आती हूँ। अरे सब इधर है, आओ बैठो। सुनो आकाश, वो बंद करो, पहले नाश्ता करो। लो प्लेट लाओ। आज रात को तुम्हारे फ्रेंड्स आने वाले थे, आएंगे ना? हाँ माँ, सब आ रहे हैं। जानू, तुम्हारा भाई भी आने वाला है, कब आएगा? 2-3 दिन में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, खत्म होते ही आ जाएगा। माँ माँ, खाना खा के किचन में काम शुरू करेंगे। अपने घर में बड़े बर्तन है ना? नहीं है माँ, शॉपिंग करनी पड़ेगी, बहुत दूर है, अपने पास टाइम नहीं है। आज मैनेज करेंगे कैसे भी। ठीक है, जो कुछ भी घर में नहीं होगा उसकी लिस्ट बना लो, हम ले आएंगे। हम दोनों चलेंगे साथ में। ठीक है माँ। देख कर लाना चाहिए, उसका उपयोग तो पूरे जीवन भर होगा। हम उसको ऐसे फेंक तो नहीं सकते है ना? हमें पसंद ना हो तो भी तो साथ रहना ही पड़ता है। स्टॉप इट चंद्रू। हुँ।
मेम साहब, मैं बाजार से सब्जियां ले आई हूँ। अच्छा किया। सुनो, मैं सब्जियां काट देती हूँ। मैं गांव से मिर्ची लाई हूँ, तुम उसे टेरेस पे सुखा दो और फिर आकर मेरी मदद करो, समझ गई ना? ठीक है मेम साहब। गुलाब जामुन पहले से तैयार करना पड़ेगा। शाम की पार्टी जबरदस्त होगी। हाँ पापा। गुड गुड गुड। बुद्धि नहीं है क्या तुमको? पापा देख रहे थे ना? क्या देख रहे थे? तुम्हारी हरकतें देख रहे थे। मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तुमने क्या किया तुम्हें खुद नहीं पता? तुम क्या कर रही हो? आज रात में पार्टी होने वाली है ना, इसलिए गुलाब जामुन बनाने के लिए आटा तैयार कर रही हूँ। वाओ, तुम आटा मिलाते हुए कितनी अच्छी लग रही हो। तुम तो बहुत सेक्सी लग रही हो प्यारी। स्टॉप इट चंद्रू। हे, तुमने अपने बेटे और बहू को देखा? और उन दोनों को देखकर मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्या है? हमारी उम्र 60 की होने वाली है, हम हनीमून के लिए सकलेशपुर जाएंगे। सकलेशपुर हनीमून के लिए? पसंद नहीं तो जाने दो ना, कहीं और जगह चलेंगे। बैंकॉक। आप जहाँ ले चलेंगे मैं चलने को तैयार हूँ। तुम्हें पसंद है लेकिन बात बताना नहीं चाहती चोरनी कहीं की। स्टॉप इट चंद्र। मम्मी। हाँ? मेरी दूसरी स्लीपर नहीं दिख रही है। यहाँ है बेटा, देखो ना, ये लो पहन लो। मोहन। हाँ? मोहन हम रेडी हैं। मैं भी रेडी हो गया मैम साहब। थैंक्स गोविंद। मैं चलता हूँ मैम साहब। ये क्या है? खाली हाथ जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने मिठाई मंगा ली है। ओहो, फॉर्मेलिटी मान लिया। चलो, चलो चलते हैं। चलो बेटा। क्या आंटी, आप कल गांव जा रही हो? 4-6 दिन और रुक जाती? नहीं बेटी, और 2 दिन के बाद अच्छा दिन शुरू होने वाला है। मेरा बेटा और बहू फॉरेन में हनीमून मनाने जाएंगे, इसलिए हम लोग कल गांव जा रहे हैं। आंटी, खाना सुपर है। राधा, तुम आंटी से खाना बनाना सीख लो। अरे रे, ये मैंने नहीं बनाया, ये तो मेरी प्यारी बहू ने बनाया है। वाओ, रियली नाइस जानकी। थैंक यू। ये क्या है? अरे, तुम्हारा बेटा सिर झुका के बैठा है लेकिन खाना नहीं खा रहा है। पापा, उसके साथ का कोई है नहीं तो बोर हो रहा होगा, मैं उसे कंपनी देता हूँ। हे जैम, चलो हम चलते हैं। आ जाओ। आप लोग खाओ खाओ, बैठो। यू लाइक वीडियो गेम्स? कार गेम तुम्हें पसंद है? दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, तुम खेलोगे? चलो, प्रेस बटन, गो ऑन। जानू, काजू वाली खीर कहाँ है? यहाँ पे है। सभी को दे दो बेटी। मोहन काजू की खीर बहुत पसंद करते हैं और मुझसे हमेशा बोलते रहते हैं कि अपनी माँ से सीख कर बनाया करो। खाओ बेटा। थैंक यू। हाय। ये लो, मैंने सिर्फ ये गुलाब जामुन बनाई है। तुम भी लो, ये लो। विकी, कम हियर। बस करो आंटी। बहू तुम लो। आकाश तुझे दूं क्या? बाय राजू। लो ना थोड़ा सा। तुम किससे बात कर रहे थे विकी? कैप्टन राजू से। कैप्टन राज? वो कौन है? वो ये घर का ओनर है। हे, इस घर का ओनर मैं हूँ यार। कौन है कैप्टन राज, उसे बुलाओ। ठीक है राजू, बोलता हूँ मैं।
क्या बोला तुम्हारा दोस्त? पेट भर के खा लिया ना, अब अपने घर जाओ बोल रहा था। जब नींद आएगी तो इस तरह के पागलपन करेगा ही। बिल्कुल अपने पिता पर गया है ना। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ आना तो अपनी वाइफ को भी लेकर आना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ये सिर्फ अपनी पत्नी को ही नहीं, अपने बेटे को भी साथ लाएगा। वैसे तुम्हारी बेबी की डिलीवरी थी, उसका क्या हुआ? दो दिन में बच्चा हो जाएगा, मैं भी गांव जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये लो। ये क्या है जानकी? काजू की खीर। ओ थैंक यू। मैं आपसे मांगने ही वाला था लेकिन आपने खुद दे दिया। अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इसमें शर्म की क्या बात है? मेरे किचन में अगर काजू की खीर रखी रहे तो रात भर ये उसे खाने के लिए घूमते रहते हैं। रात भर 10 चक्कर लगाएंगे किचन के। आ, मैं रात भर घूमता रहूंगा लेकिन ये रात भर खर्राटे मारते रहेंगी। हाँ स्टॉप इट चंदू। ठीक है आंटी मैं चलती हूँ अब। अंकल चलती हूँ। चलता हूँ। बाय बेटा। बाय बाय। अरे सुंदरियो, तुमने इसका एक अवतार देखा है। तुम एक हफ्ते साथ में रहो, हर रोज एक अवतार दिखाएगी, नए नए अवतार दिखाएगी। आप चुप रहिए। अरे इसे शादी करने के बाद तीसरे दिन ही हार्ट अटैक से चला गया होता। एक दिन रात में मैं सो रहा था, ये सामने आई आधी रात को, आँख फाड़ के देख रही थी। मैं भी तुम्हारी तरह डर के घबरा गया था ऐसा करके। उस दिन मेरे ससुर जी बोले, अरे इसे नींद में चलने की बीमारी है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अरे हम लोग भी यहाँ डर जाते थे घर पे। स्टॉप इट चंद्रू। और तुम्हें पता जानू, एक दिन माँ बस स्टैंड पहुँच गई थी नींद में और पापा उनको लेकर आए थे। ये फिर शुरू हो गया। चुप रह, ये तो बहुत डेंजर है ऐसे नींद में चलना सासु माँ। हाँ तुम ही समझाओ इसको। विचित्र बात ये है कि ये कहीं भी बिस्तर लगा के आराम से सो जाती है। अरे अरे हमने कार पार्किंग की, कार पार्किंग के बीच में ही सो गई थी। अरे अरे इसको ठंड लग जाएगी ऐसा सोच करके मैंने बेडशीट उड़ा दिया था इसे। ठीक है ठीक है, देर हो रही है। चलो देर हो रही है, मेरा बाइक दे दो। लेट हो जाओगे नहीं तो। सुनिए आपने अपना फोन लिया ना, चलिए। ठीक है मैं ड्रॉप करके ऑफिस जाता हूँ। वैसे तुम घर में बैठ के करोगी क्या? इनके साथ चले जाओ ना। वो लोग कोई परसी में जा रहे हैं, वहाँ मैं क्या करूँगी जाके? हाँ लेकिन इतने बड़े घर में तुम मुझे अकेले छोड़ के ऑफिस जाओगे? नहीं, हफ्ते में 5 दिन छुट्टी लेके तुम्हारे साथ रहूँगा, बाकी 2 दिन सैटरडे संडे वो लोग मुझे खुद छुट्टी देंगे। ये बताओ तुम घर में अकेले करोगी क्या? तुम कब आओगे ये सोच सोच के इंतजार करूँगी। ये बताओ आज तुम क्या पहनने वाली हो? I don't know, maybe blue? क्या blue? हाँ, साड़ी blue. वो बात नहीं, अंदर क्या पहनोगी? छी, आकाश. Okay, bye. फोन करना, हम लोग रोमांटिक बातें करेंगे. तुम्हें शर्म नहीं आती ना? जाओ. Okay, bye. Bye.
जी, चीटिंग मत करिए, इसको यहाँ रखिए। हाँ, अभी मेरा मंत्री आपके सैनिक को मार देगा, फिर आप क्या करोगे? इसको चेस खेलना किसने सिखाया? क्या तुमने सिखाया? नहीं, मैंने तो नहीं सिखाया। दादाजी जल्दी खेलो, और कितनी देर लगाओगे? तुम किसके साथ खेल रहे हो? दादाजी के साथ। दादा कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं, आप खुद देखो। यहाँ? अगर दोबारा दादा का नाम लिया ना तो तुम मार खाओगे। जाओ बैट लेकर आओ, चलो बाहर खेलते हैं। मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा, जाओ। विक्की रुको, विक्की। बेटा क्या मोहन, छोटे बच्चे को ऐसे हैंडल करोगे क्या? तो कैसे हैंडल करेंगे? छे, बेटा, बेटा, बेटा। क्यों मम्मी, दादी मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हैं? Because he loves you so much, बेटा। डैडी तुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तुझे डांटते हैं बेटा। बेटा, तुम मेरी हेल्प करोगे क्या? तो चलो मेरे साथ। बॉक्स भेजा है। ओके क्या विक्की, स्कूल की छुट्टी थी आज? नहीं, मैंने छुट्टी कर ली। अंकल के प्लेस्टेशन में मैं गेम खेल लूं क्या? ओके श्योर, खेल लो। थैंक्स आंटी। खेलोगे क्या? देखो वो ब्लू कार मेरी है और वो पुलिस कार भी मेरी है, समझे? राजू गेम खेलना नहीं जानते हो, स्लो खेलो, मेरी कार से मत टकराओ, समझे? राजू तुम्हें गेम खेलना नहीं आता, तुम मेरे साथ मत खेलो, जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, जाओ। जानकी, विक्की, विक्की क्या कर रहे हो तुम? मम्मी। विक्की, विक्की। मम्मी तुम ऊपर क्यों चढ़ गए विक्की, आराम से। मम्मी जाओ। चढ़े थे? मम्मी मैं नहीं चढ़ा था, कैप्टन राजू ने मुझे चढ़ा दिया। राज साज करता रहेगा तो एक मारूंगी तुझे, चल घर चल। सॉरी जानकी। इट्स ओके। चल घर चल, तेरे पापा को सब कुछ बताती हूं मैं। मैंने कुछ नहीं किया पापा, ज्यादा बोल कुछ मत बोलना मम्मी। इतना डर के हॉरर फिल्म कौन देखता है? मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। देखेंगे, अच्छा लग रहा है। मुश्किल है, हॉरर फिल्म से डर लगता है और देखना भी है। जानू, अगर तुमको डरने का इतना ही शौक है तो टीवी बंद कर दो और अपनी सासू माँ की शकल लगातार 10 मिनट तक देखती रहो, डर से बुखार भी आ जाएगा। स्टॉप इट चंद्रू, फिल्म देखो ना। अरे इसको कौन देखता है? मोहन
तुम अपने बचपन में बहुत शरारत किया करते थे क्या? क्यों? और तुम बचपन में पेड़ पर चढ़ जाया करते थे? वैसे बचपन में तो मैं पेड़ पर चढ़ता था, मैं बिल्कुल स्पाइडरमैन के जैसा था। इसीलिए तुम्हारी बंदर वाली हरकतें तुम्हारे बेटे में आ गई हैं। क्यों, क्या किया उसने? आज वो आकाश के घर के सीलिंग फैन पर चढ़ गया था। सीलिंग फैन में? हाँ। किसने चढ़ाया उसे वहाँ? जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि कैप्टन राज ने उसे वहाँ चढ़ाया। कैप्टन राज, वो कौन है? मुझे क्या मालूम। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। कल मैं चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेती हूँ, कल हम उनसे मिलने जाएंगे। चलो सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है। तो दर्द कम होगा। ऐसा इधर दो, मैं डालता हूँ। लो इधर लगाओ। माँ, मैं टिकट कैंसिल करूँ क्या? आप बाद में चली जाना। ठीक हो जाएगा। हमारी टिकट को छोड़ो, तुम्हारी इंटरनेशनल टिकट है, आखिरी मिनट में कैंसिल करोगे तो लॉस होगा ना तुम्हारा। मैं इसे संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं इसका ख्याल रखता हूँ। स्टॉप इट चंद्रू। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तुम चिंता मत करो, चलो चलो, ट्रेन का टाइम हो गया है ना, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ। देखो तुम रात में चलती हो और तुम्हारी कोई चैन कट कर दे तब समझोगी। आराम से माँ। आओ आओ, चलो 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 चलो, सुबह की ट्रेन है इसलिए अच्छा है। अगर कहीं रात को ट्रेन होती और तुम नींद में चलती और बाहर गिर जाती तो ऊपर गोविंदा गोविंदा नाम जपना पड़ता। चंद्रू। पापा आप चुप रहिए ना, लगता है माँ को बहुत दर्द हो रहा है। स्प्रे करने से दर्द कम हो गया है बेटा। जानू तुम वहाँ पहुँचते ही हमें फोन करके बताना कि सेफली पहुँच गई। हमें फोन करना भूलना मत, समझी ना? ठीक है माँ। बाय बेटा। गोविंद जी साहब। सुनो भाई, तुम मेरी बहू और बेटे का ख्याल रखना। ठीक है साहब। गौरी बहन मैं चलता हूँ। बाय जानू। बाय पापा, हैप्पी जर्नी। बाय बाय, थैंक यू। बेंगलुरु से फॉरेन की ट्रिप में फर्स्ट क्लास की सीटों में बहुत सुविधाएं होती हैं, उसके बारे में क्या सोचा है? एक्चुअली मैं वो फर्स्ट क्लास सर्विस के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि फर्स्ट क्लास सीट में आप और मैं। बाप रे, मुझे तो बहुत खुशी होती है सोच के। यहाँ पर? एक बार आप मुझे टच करो। अब यहाँ पर? अरे हाँ यहाँ। अब यहाँ टच कर लिया तो वहाँ मजा नहीं आएगा। ठीक है जाओ। आओ बेटा, ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ। चलो मैं लगेज पैक करती हूँ। वैसे आज कौन सा कलर? स्टॉप इट आकाश। आ खोलो। ओके, जीप देखो बेटा। ठीक है। दिन में तुम क्या खाते हो? इडली। तुम रोज इडली खाते हो? हाँ डॉक्टर। हा? ये रोज इडली खाता है, कभी कभी मैं इसे केलॉग्स खिला देती हूँ। बेटा जरा इधर आओ, रोज दूध तो पीते हो ना? मुझे दूध नहीं पसंद। क्या तुम्हें डोसा पसंद है?
वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो तुम्हें क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है। चॉकलेट पसंद है ना, वेरी गुड, ये लो चॉकलेट। एक और दे दीजिए, वो मैं अपने दादाजी को दूंगा। ओ सॉरी, ये लो। थैंक्स अंकल। ये बताओ तुम्हारे दादा कहाँ हैं? यहीं तो बैठे। ओके ओके बेटा, ओके भाई। अच्छा तुम बाहर अपने दादा के साथ खेलो, जाओ। ओके सर, एक्सीडेंट रिपोर्ट। हाँ थैंक यू। सुनिए, मैं आपके बेटे के बारे में बताने से पहले मैंने एक पेशेंट को हैंडल किया था, उसके बारे में बताता हूं। देखिए, ये लड़की का नाम कल्पना है। अभी इसकी उम्र 18 वर्ष की है। इसे 16 साल की उम्र में मेरे पास लाए थे। इसके परिवार वालों ने भी बहुत कष्ट सहा। ये लड़की सारे विषय में एक साल फेल हो गई। सुनो, एक बार उसने डिप्रेशन में जाने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। ये लड़की एक दिन उसने सारी किताबों को लेकर रूम बंद करके पढ़ने लगी और मेहनत करने लगी। उसने 10वीं क्लास में 96% मार्क्स लेकर पास हो गई। कैसे बताएं कि दिन भर उसके पिता उसके पढ़ाई के साथ दिखाई दिया करते थे, लेकिन सच तो यह है कि उसके पिता उसके पैदा होने से पहले मर चुके थे। अभी वो अच्छी तरह से पढ़ती है और उस वक्त से उसके पिता कहीं नहीं दिखाई देते। अब तो वो जैसे मायावियों की तरह ही गायब हो गए। लेकिन इस केस के बारे में आप हमें क्यों बता रहे हैं? बताता हूँ। ये देखिए, ये उसके सिर का एक्सरे है। ये 16 साल की उम्र में कल्पना के सिर का एक्सरे है। और ये इसे देखिए, विकी के सिर का एक्सरे है। इन दोनों एक्सरे में खासियत है। ये देखिए, दोनों में छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं। इनके आंतरिक भाग में अंतर है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है और 2 साल का होता है, तब तक ये माथा है ना, बहुत ही कमजोर होता है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो ये माथा मजबूत हो जाता है। इस तरह से विक्की, अभी तक उसका माथा मजबूत नहीं हो रहा है। बहुत साल पहले हिंदू और बुद्धों के माथा के अंदर भी ये जो दिख रहा है ना माथे पर, सैकड़ों चक्र हैं, ऐसा हम मानते हैं। शरीर के अंदर की बातों को जानने के लिए और मनुष्य के मनोस्थितियों को जानने के लिए इन सहस्त्र चक्रों पर भरोसा किया जा सकता है। मतलब ये जो चक्र है ना, इसको स्पिरिचुअल गेटवे कहते हैं। ओके, और मेडिकल साइंस वाले भी मानते हैं इसको। साइंस की बात हो या वेदांत की बात हो, दोनों को मिलाकर सिंपल बताएं तो छोटे बच्चों 1 साल तक होने तक उन्हें आत्माएं दिखती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि आत्माओं से छोटे बच्चों को कनेक्शन है और इसे ही स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं। तो उसको आत्मा दिखती है क्या? हाँ, और उन्हें ये आत्माएं दिखाई भी देती हैं। और जिनको आत्मा दिखेगी वो बात भी करेगी, और आत्माएं बातें करेंगी तो उसे सुनाई भी देंगी। कल्पना का माथा जब से स्ट्रांग हुआ, तब से उसको उसके पिता दिखना बंद किए। विकी के विषय में भी ऐसा ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। वाओ, क्यों भरोसा नहीं है? सब्जेक्ट बहुत ही हैवी है, सॉरी नो ऑफेंस, पर आपकी बात मुझे भरोसे वाली लगती है। हमें समझने वाले कुछ लोग इस बात पे भरोसा कर लेते हैं। भूत आए तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, ये बात कोई माने या न माने लेकिन सच है। जब भूकंप और सुनामी आते हैं तो पक्षियों को और जानवरों को सबसे पहले मालूम पड़ता है। ठीक उसी तरह से बच्चों के पास भी वो सेंस होती है, और हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं होती है। बच्चों की दुनिया के बारे में हमने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, इसलिए उस पर विश्वास करना पड़ेगा, ब्लाइंडली विश्वास करना पड़ेगा, समझ गए? और विकी को उसके दादा दिखाई देते हैं। अब ये भरोसा करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको ये सच दिखाई देता है तो विकी किसी दिन अपने दादा के बारे में सवाल करेगा, नहीं तो विकी ने अपने दादा को इमेजिन किया ऐसा समझेगा। इमेजिन करने दो, इसमें क्या गलत है? अगर विकी नॉनवेज नहीं खाता तो कोई बात नहीं, समझे? कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू कीजिए, माथे के ऊपर का भाग स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग होने से मदद मिलेगी। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप दोनों को अपने बेटे को ज्यादा समय देना चाहिए। उसके साथ खेलिए, हफ्ते में एक बार उसे बाहर ले जाइए,
तब आप देखोगे कि विकी पर बड़े अद्भुत बदलाव होने लगेंगे जो आपको महसूस होंगे। दादाजी ये लीजिए, अच्छा है ये। क्या नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। विकी चलो चलते हैं। विकी मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से सारे खेल हम साथ में खेलेंगे। कोई भी खेल खेलना मुझे बोलो, मैं साथ में खेलूंगा। और दादा के साथ राज के साथ खेलना बंद करो, समझे ना? दादाजी को मैं बहुत प्यार करता हूँ डैडी। दादा मर चुके हैं, तुम्हारे पैदा होने से पहले वो मर गए थे, वो इस दुनिया में नहीं है, समझे? डैडी क्या है? दादाजी ने आपको सीट बेल्ट लगाने बोला है। दादा का नाम नहीं लेना है, कहा ना तुझे? स्टॉप इट मोहन, बच्चों के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? तुम इससे स्टार्ट करो। तुम इससे ज्यादा प्यार करती हो, महंगा पड़ेगा तुम्हें। हेलो। हाय बेबी, तुम क्या कर रही हो? मैं पैकिंग कर रही थी। अच्छा, तुम कब आओगे? मैं जल्दी आऊंगा। Hey, you know something? बस कुछ ही देर में हम दोनों माइल्ड हाइक क्लब में चलेंगे। माइल्ड बाइक क्लब? ये क्या है? हम दोनों की स्वागरात यानी कि पहली रात 10 किलोमीटर ऊपर मतलब फ्लाइट की फर्स्ट क्लास केबिन में होगी। मतलब मेरे दोस्त ने एक क्लब ओपन किया है तो हमें भी बुलाया है। So, हमें भी वहाँ मेंबरशिप मिल गई है। हमें वो क्लब मेंबरशिप नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। हे जानू, ये जिंदगी में पहली बार अपॉर्चुनिटी लाइफ में, और हम दोनों साथ में रहेंगे, कितना मजा आएगा ना? छी, स्मेल आ रही है। हे, बेडशीट या मैं? नहीं, घर में दारू की स्मेल आ रही है। हे, मुझे नहीं आती स्मेल, तुम्हें क्यों आती है? ओ, मैं तो भूल गया, तुम तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। ठीक है घर जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूँ। ओके बाय। कितने बजे की फ्लाइट है? Hey, 10:30 बजे। हनीमून इन फॉरेन, यू लकी ब्रदर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट आकाश। कोई डाउट है तो फोन करना मुझे। क्या डाउट? चलो बताता हूँ मैं। आकाश, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स माय हनीमून। फ्लाइट टिकट्स, होटल रूम्स के पेमेंट हो चुके हैं, ये सब लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आकाश, सर अगर तुम हैदराबाद नहीं जाओगे तो हमें कंपनी बंद करना पड़ेगा। आकाश सर वो क्या है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, पूरा का पूरा मेन सर्वर ही कोलैप्स हो गया है। PPO ऑपरेशन सब डाउन हो गया है, आपको हैदराबाद जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। चाहो तो कल मॉर्निंग फ्लाइट में वापस आ जाइए। हनीमून के लिए आप कल चले जाना, कंपनी सारे के सारे खर्च उठाएगी। नो सर, आई कांट। सुनो, कांट नहीं कीट नहीं, आपको हैदराबाद जाना ही होगा, नहीं तो मेरी नौकरी के साथ साथ तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी।
Now! Hi. Hey, Janu. क्या कर रही हो तुम? मैं फिल्म देख रही हूँ. फिर से हॉरर मूवी देख रही हो? आप अभी तक आए क्यों नहीं? सॉरी बेबी, बैड न्यूज. आज रात में हम नहीं जाएंगे. What? क्या हुआ? हैदराबाद में फुल सर्वर डाउन हो गया है, इसीलिए मुझे वहाँ जाने के लिए कह रहे हैं. कब जाना है? 2 घंटे में फ्लाइट है. सॉरी यार, मैं घर आके नहीं जा सकता हूँ. ठीक है, तो वो वापस कब आओगे? मैं मॉर्निंग फ्लाइट में वापस आता हूँ ना बेबी. तो हमारी टिकट्स? मैं रिशेड्यूल करता हूँ ना. एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए कल टिकट नहीं है ना, मैं नॉर्थ के लिए बुक करता हूँ. अरे वो माइल्ड क्लब वाले, आज रात में मेंबरशिप होगी, ये सब सोच के मैं बहुत सपना देख रही थी. हे, डोंट वरी स्वीटी, चिंता मत करो, कल रात में मेंबरशिप बनेंगे. हे, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्लैक पहना है. सुनो, मेरा दिमाग पहले से खराब है, तुम और टेंशन मत लो. जल्दी आओ अब. ओके, तुम्हारे उठने से पहले मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा. ओके, लव यू. लव यू टू बेबी, बाय. बाय. हेलो. हे, तुम सो गई क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया था, सो जाओ. हाँ ठीक है, तुम्हारा सिचुएशन कैसा है? यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ फाइंड आउट हो गया है. मॉर्निंग कैसे भी काम हो जाएगा. ठीक है, तुम सो जाओ. मिस यू, बाय. बाय, मिस यू. We'll be right back.
हाय हाय अंदर आइए ना प्लीज। कोई बात नहीं, क्या हुआ जानकी, तुम्हारा हनीमून कैंसिल हो गया क्या? हनीमून कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन कल के लिए पोस्टपोन। ठीक है, तुम अकेले घर में क्या करोगी? चलो मेरे घर चलते हैं, आज मेरे घर बाप बेटा जल्दी सो गए। तुम चलो ना मेरे घर, बातें करेंगे, वहीं सो भी जाना तुम। अच्छा ठीक है, रुकिए आती हूं। हाँ हाँ, तुमने खाना खा लिया ना? नहीं अभी नहीं हुआ है। चलो ना मेरे घर पर ही खाते हैं, आ जाओ साथ में खाएंगे और बातें करेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग जानकी, आज आप जल्दी उठ गई। हाँ। मेरी माँ आ रही है, रेलवे स्टेशन जाना है। सी यू लेटर, बाय। कैसे हो, फ्लाइट लैंड हो गई? नहीं जानू, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, दोपहर की फ्लाइट से आऊंगा। इसका मतलब रात भर तुम सोए नहीं हो? नहीं अब जानू, वन सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है, मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो, गौरी आ जाओ। मैम साहब, आप अभी तक यहीं हैं, गई नहीं? नहीं सर, को अर्जेंट काम आया था, इसलिए हम कल जाएंगे। अच्छा, कोई काम हो तो बता दीजिए। नहीं घर में तो कोई काम नहीं है। हाँ, पौधों में पानी डालना है बाहर। फिर से घर में दारू की स्मेल? गौरी तुझे दारू की स्मेल आ रही है क्या? नहीं मैम साहब। अब ठीक है, पूरा घर डेटॉल से साफ कर दो। हाँ। अरे वापस से शराब की बदबू। ओ मम्मी आओ ना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी? मैं ठीक हूँ, इधर दो। क्या हुआ, इतना लेट कैसे हुआ? कुछ पूछो मत, सिग्नल ना मिलने की वजह से आउटर में आधा घंटा रोक के रखा था, बोर हो गई मैं तो। अच्छा कहाँ गया? मेरा पोता कहीं नहीं दिख रहा है। जल्दी आओ ना, स्कूल जाने है, देर हो रहा है मुझे। रोज से तुम टाइम से आते हो, लेकिन आज क्या हुआ? ठीक है, अब मैं शाम में आके मिलता हूँ, बाय। विकी दादी। बेटा अभी तुम स्कूल जाने के बारे में किससे बात कर रहे थे? दादाजी से। दादा से? हाँ, दादाजी रोज मेरे साथ स्कूल जाते हैं। आज आप आए हो इसलिए उन्होंने कहा कि आज मैं नहीं जाऊँगा। बहुत दिनों से नहीं आए दादा, तो आज कैसे आएंगे बताओ? दादाजी कहीं जा रहे हैं, आपको भी वहाँ साथ लेके जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। ए, बहुत हो गया तेरा, बकवास बंद कर, स्कूल जाना है, स्कूल का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। माँ मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है बेटा, बाय दादा।
दादी, बाय मम्मी। बाय बेटा, बाय। ये सब क्या है राधा? दादा आए हैं ऐसा कह रहा है? ये बहुत लंबी कहानी है सासू माँ, आप पहले फ्रेश हो जाइए, मैं बाद में बताती हूँ। गौरी, कुर्सी पे ऊपर फुटप्रिंट है, कोई है ऊपर? कोई है गौरी, जाके देखो ना गौरी। ठीक है। देख लिया, कोई नहीं है मेम साहब। क्या कोई नहीं है? हाँ? पर आवाज तो आई थी। अरे मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ मेम साहब। गौरी, 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 गौरी।
चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से दिखाने के बाद क्या करें, हमें तो ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और उधर ये विक्की अपने दादा से खेलना बंद ही नहीं कर रहा है। राधा, अरे जानू आओ ना, अंदर आओ, आओ कॉफी पियो। नहीं जानू, ये मेरी सासू माँ है, हमेशा तीर्थ यात्रा में रहती हैं, कभी कभार हमारे साथ रहने आती हैं। सासू माँ, जानू का पति और मोहन एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, इन दोनों की अभी अभी शादी हुई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी, आओ जानू बैठो ना। कल रात हम लोग इनके घर पर गए थे तो वहाँ पर कोई राज उससे बात करने लगा था। पता है जानू, हमारा विक्की जो लोग दिखते नहीं उन लोगों से बात करता है। वो क्यों खेलता है, उसे वो लोग दिखते होंगे तभी बात करता है। हाँ कहते हैं छोटे बच्चों को आत्माएं अक्सर दिखती हैं। तुम्हारे ससुर जी और मैं बहुत सालों तक ट्राइबल एजेंसी में काम करते थे, वहाँ के लोग इन आत्माओं पर बहुत विश्वास करते हैं। 23 सालों तक हम लोगों ने वहाँ पर तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा ये सब कुछ देखा हुआ है। उस सब के सामने तो विक्की का इस तरह से बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या सासू माँ, इस जमाने में भी आप इस तरह की बातें करती हैं? कोई शैतान नहीं होता, कोई भूत नहीं होता? होता है। ए जानू, कॉमन है यार। नहीं, हमारे घर में कोई है। आखिर कौन है? कौन है मालूम नहीं, मगर कोई मेरे बाल पकड़ के दीवार में पटक पटक के मुझे मार रहा था। कौन है जानकी? कौन है मालूम नहीं, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। रिलैक्स जानू, रिलैक्स। सासू माँ, लगता है जानू किसी बात से डर गई है। हेलो। हे राधा, मैं आकाश बोल रहा हूँ, जानकी फोन नहीं उठा रही है, आपके घर में है क्या? हाँ है। अरे ऐसे कोई करता है, नई जगह पर आप उसे अकेले छोड़कर चले गए, वो बिचारी कितनी घबराई हुई है पता है? क्या घबराई है, जरा उसको फोन दो ना। देती हूँ। जानकी हाँ? ये लो, आकाश का फोन है, बात करो। सासू माँ मैं अभी आती हूँ। हेलो। हे जानू, तुम्हारा फोन कहाँ पर है? घर में। तुम घबरा गई हो? सुबह फोन पर तो ठीक थी। डर तो लगेगा ही, रात भर हॉरर मूवी देखोगी तो डर तो लगेगा ही। हे जानू, तुम घर जाके फोन अपने पास रखो, बार बार राधा के फोन से बात करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। ओके, मैं तुम्हें फोन करता हूँ, बाय। आकाश, आकाश। जानकी रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं है लेकिन कोई तो है। कुछ नहीं करेगा लेकिन कुछ तो करता है। लेट मी गेट दिस राइट, तो क्या तुमने उस घर में देखा नहीं कि कोई आदमी है या नहीं है? हाँ, वो मुझे फॉलो करता है, वो मुझे देखते रहता है, मेरे कपड़े बदलने के वक्त, मेरे काम करने के वक्त, मेरे सोने जाने के वक्त, मैं नहाने जाती हूँ उस वक्त वो मुझे फॉलो करता है, मैं उसे दिखती हूँ लेकिन वो मुझे नहीं दिखता। ओ, तुम्हारा मतलब कोई तुम्हें दिखता नहीं है, लेकिन वो आदमी है तो तुम जानती कैसे हो? वो आदमी है। यही यही सवाल तो पूछ रहा हूँ, जब वो दिखता नहीं है तो पता कैसे चलता है कि मैं औरत हूँ, औरत हूँ, औरत हूँ, औरत हूँ। Thank you.
आंटी, मेरे मोबाइल से कॉल आ रहा है। तुम्हारे मोबाइल से? हाँ। कहाँ पर है तुम्हारा मोबाइल? घर पे है। तुम्हारे घर में तो कोई नहीं है ना? हाँ। तो फिर कॉल किसने किया होगा? नहीं जानती आंटी। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। नहीं आंटी, वो घर में नहीं जाएंगे आंटी। जानू मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करती हो? चलो देखते हैं कौन कॉल कर रहा है। नहीं आंटी। चलो बेटी, मैं देखती हूँ कौन है। नहीं आंटी। मैं हूँ ना बेटी, चलो ना। चलो आंटी, प्लीज आंटी। अरे मुझे कोई भूत कुछ नहीं करेगा, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अरे तुम बिल्कुल मत डरो। अरे चलो मेरे साथ, नहीं जाऊंगी आंटी। आंटी प्लीज, मैं किसी भूत से नहीं डरती, तुम आ जाओ। चलो अंदर चलो, चलो आओ। आंटी अंदर मत जाइए आंटी। मैंने कहा ना तुम डरो मत, अंदर चलकर देखते हैं कि कौन है। चलो नहीं आंटी, नहीं। चलो अंदर बेटी, आंटी अंदर मत जाइए। इस घर में कुछ तो है, आओ। आंटी नहीं, नहीं आंटी, मुझे नहीं जाना आंटी। जानू हाँ? अपना मोबाइल लाओ तो लेके आओ ना, जाओ लेके आओ। ये बहुत खतरनाक भूत लग रहा है, चलो इसके लिए कुछ सोचेंगे। राधा फोन कर रही है। हेलो जानू, तुम दोनों अपने घर में हो? सासू माँ को फोन दो ना। राधा हाँ हेलो, बोलो। मम्मी विक्की के स्कूल से फोन आया था, वो घर आने के लिए जिद कर रहा है, मैं स्कूल जाके आती हूँ। ठीक है ठीक है, लो चलो बेटी चलो। हाँ। सुनो जानकी, जो लोग जन्म और मृत्यु के बीच में फंसे हुए होते हैं उन्हें हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा दो तरह की होती हैं, एक तो अच्छा काम करती हैं और दूसरी बुरा काम करती हैं। बुरा काम करने वाली इन आत्माओं को हम लोग भूत प्रेत ये सब कहते हैं। ऐसी ही कोई बुरी आत्मा तुम्हारे घर में रहकर तुम्हें तंग कर रही है, लेकिन उस आत्मा को पता नहीं है कि भगवान के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। समझ गई ना तुम? चलो हम चलते हैं अब। आंटी उस घर में नहीं जाना आंटी। नहीं आंटी। सुनो बेटी, अगर तुम इस तरह भयभीत होती रहोगी तो जिंदगी भर छोटी छोटी बातों से डरती रहोगी। इस समस्या का क्या समाधान है मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे अंकल ने और मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। चलो मैं बताती हूँ उसे घर से कैसे भगाना है, मैं दिखाती हूँ तुझे। नहीं, चलो आंटी, मेरे साथ। नहीं आंटी, चलो चलो, मुझे नहीं जाना आंटी। चलो तुम आंटी, डरो मत। जानू जाओ बेटी, एक लोटा जल लो, उसमें तुलसी का पत्ता डालकर ले आओ। हाँ। जाओ। नीलां जन्म समाभासम रवि पुत्र निमाग्रजम।
सुमाभासं रघुपुत्रमिमाग्रजम् नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम भूत प्रेत सर्व बाधा दूर करो प्रभु, इस घर से भगाओ भूत प्रेत आत्मा को, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करो, भूत प्रेत की छाया इस घर से भगा दो, भूत प्रेत से बाधा मुक्त करो। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम भूत प्रेत सर्व बाधा से हे बजरंग बली इस घर को मुक्त करो, भूत प्रेत सर्व बाधा दूर करो प्रभु, भूत प्रेत सर्व बाधा दूर करो बजरंग बली, हे महावीर भगवान भूत प्रेत से इस घर को मुक्त करो, हे बजरंग बली भूत प्रेत सब दूर करो, हे महावीर भगवान। भूत प्रेत से मुक्त करो इस घर को, भूत प्रेत बाधा से मुक्त करो इस घर को, भूत प्रेत सर्व बाधा दूर करो प्रभु, भूत प्रेत सर्व बाधा दूर करो बजरंग बली, भूत प्रेत सर्व बाधा हे महावीर भगवान, भूत प्रेत से इस घर को मुक्त करो। महावीर जब नाम सुनावे भूत पिसाच निकट नहीं आवे, जय 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 बजरंग बली, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिसाच निकट नहीं आवे, हे भगवान बजरंग बली भूत प्रेत नष्ट करो, भूत प्रेत का नाश करो, इस घर को प्रेत बाधा से मुक्त करो, हे भगवान बजरंग बली। महावीर जब नाम सुनावे भूत बाधा से मुक्त करो, हे भगवान बजरंग बली, महावीर जब नाम सुनावे भूत प्रेत भूत को भगाओ, भूत मेरे निकट नहीं आवे, भूत को भगाओ, भूत मेरे निकट नहीं आए, भूत को भगाओ, भूत मेरे निकट। भूत को भगाओ, भूत भूत मेरे बाहर निकट नहीं आवे, भूत को भगाओ, भूत भगाओ, भूत प्रेत आ, भूत प्रेत निकट नहीं। जानू, आकाश, जानू, जानू क्या हुआ? एम्बुलेंस भी आई थी, किसके लिए आई थी? मोहित की माँ अपने घर में आई थी, ऊपर से नीचे गिर गई? नहीं, गिरा दिया। What? गिरा दिया? आकाश, कौन गिराएगा? चलो मैं देखता हूँ। नहीं आकाश, नहीं। जानू, मैं हूँ ना, चलो अंदर। नहीं आकाश, हम अंदर नहीं जाएंगे। आकाश प्लीज। जानू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या हो गया तुम्हें? नहीं आकाश, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स जानू, पहले रोना बंद करो। मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम रोना बंद करो। हमें काम करते, चलो कार में बैठो, कहीं घूम के आते हैं। चलो जानू, क्या हुआ बताओ? हमारे घर में भूत है। What? उस घर में भूत है। क्या? मुझसे क्या किया जानते क्या हो? किया? मेरे बाल पकड़ के मुझे दीवार से। हे हे, ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, रो मत रो मत। जानू एक मिनट मेरी बात सुन। इस जमाने में तुम भूत प्रेत की बात करती हो, आजकल के जमाने में भूत प्रेत कुछ नहीं होता जानू। तुम ऐसा ही बोलोगे, मैं जानती थी, लेकिन हमारे घर में भूत है। ठीक है, मैं उस भूत से मिलना चाहता हूँ। चलो, मैं नहीं जाऊंगी। घर में क्यों नहीं आओगी जानू? वो घर में भूत है। ठीक है, ओके। तुम्हें उस घर में जाना पसंद नहीं है तो मैं भी नहीं जाऊंगा।
हम लोग कल ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ से आने के बाद दूसरा घर देखेंगे। सिर्फ आज रात उस घर में रहेंगे। चलो। अब मैं उस घर में एक दिन एक रात भी नहीं रुक सकती। प्लीज आकाश, प्लीज। ठीक है जानू, ओके। आज रात में हम होटल में रुकेंगे। हमारे बैग्स पैक कर लो। ठीक है, चलो हम बैग्स लेकर होटल में चलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर मत जाना, मैं अंदर होके आता हूँ। अब तो ठीक है ना? आकाश तुम मुझे मंदिर लेके चलो प्लीज। ठीक है चलो आओ। चलो चलो। हेलो आकाश। माँ कैसी है? आईसीयू में है, मल्टीपल फ्रैक्चर, सेरेब्रल इमिग्रेट्स। जानू और मैं हॉस्पिटल आ रहे हैं। अभी मत आओ यहाँ पर, आईसीयू में अलाउ नहीं करते हैं। तुम कल रात सोए नहीं बोल रहे थे, हम कल मिलते हैं। आर यू ओके? आई एम ओके यार। हेल्प की जरूरत पड़े तो कॉल करना। ओके यार, बाय। कैसी है आंटी? आईसीयू में, मल्टीपल फ्रैक्चर। बैग कहाँ पर है? ऊपर या नीचे? नीचे सोफे के पास है। जानू प्लीज कम इनसाइड, कुछ नहीं होगा। आकाश टायर पंक्चर हो गया। हाँ? डिक्की में स्टेप नहीं देता हूं। ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। क्या हुआ आकाश? दोनों टायर्स पंक्चर हो गए। तो अभी क्या करें? वेट वेट, आई एम थिंकिंग। हाँ, मैं कैब के लिए फोन करता हूँ। हेलो रेडियो कैब। हेलो सिटी कैब्स। लोकेशन क्या सर? कनकपुर रोड। कनकपुर में किस जगह पर सर? कनकपुर रोड से 10 किलोमीटर अंदर आएंगे तो कौन कोर्ट विला मिलेगा, वहाँ के कॉल करना। सॉरी सर, उस रोड पे कोई कैब सर्विस नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच। आकाश वेट। हेलो, कैब चाहिए कनकपुर रोड में। कैब सब बिजी है सर, यहाँ आने के लिए मिनिमम 2 आवर्स लगेगा। अरे बेंगलोर से 33 किलोमीटर है सिर्फ, उसके लिए 2 घंटे। वो एरिया में कैब सर्विस नहीं है सर, आप वेट करेंगे तो भेजता हूँ, मिनिमम 2 आवर्स लगेगा। थैंक यू वेरी मच। अरे हम होटल में क्यों रहेंगे? मोहन का घर खाली है, हम वहां रह सकते हैं। यस। बोलो। मोहन, तुम्हारे घर की चाबी चाहिए, कहाँ पर है? मेरे घर की चाबी? लेकिन क्यों? कुछ नहीं, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आज रात तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। गोविंद के पास है, उससे ले लो, वो दे देगा। थैंक यू सो मच, बाय। गोविंद के पास एक चाबी है। हाँ। मैं लेके आता हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। हाँ। गोविंद, गोविंद, गोविंद,
सर बोलिए सर, कहाँ हो तुम? सर मैं गौरी को गांव छोड़ने के लिए बस स्टैंड जा रहा हूँ। मोहन सर की चाबी कहाँ पर है? मेरे पास है सर। ओ, शे। क्या हुआ? अपनी पत्नी को गांव भेजने के लिए बस स्टैंड गया। चलो चलते हैं। हाय आकाश, तुम कहाँ हो? घर के पास हूँ यार। हैदराबाद से कब आए? दोपहर में आया था। मुझे यार तेरी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए? यार मेरी कार का टायर पंचर हो गया, तुम सिटी तक हमें ड्रॉप कर सकते हो क्या? ओह सॉरी यार, मैं मैसूर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ की डिलीवरी है ना इसलिए। ओह ये बात है, एनीवे ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार, बाय। गुड इवनिंग रेडियो कैब। मैं हूँ यार, कनकपुर रोड से कॉल किया था। मैंने बोला था ना सर, वहाँ आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। ओके नो प्रॉब्लम, कैब भेज दो। कनकपुर रोड से 5-6 किलोमीटर अंदर आएंगे तो कौन कोर्ट विला मिलेगा, मेन रोड पे आके कॉल करने के लिए बोलो। ओके सर। जानू कैब आने में 2 घंटे लगेंगे, तब तक हम यहाँ रहेंगे क्या? जानू डोंट बी सिली, अपने घर में जाने के लिए डर कैसा? चलो मेरे। नहीं आकाश, नहीं प्लीज प्लीज आकाश, नहीं 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 आकाश, प्लीज प्लीज आकाश, नहीं चुपचाप चलो। आकाश प्लीज आकाश समझो, नहीं आकाश मुझे नहीं जाना। बैठ प्लीज, बैठो आकाश प्लीज, आकाश छोड़ दो मुझे प्लीज आकाश। लास्ट नाइट जॉर्ज वाज 7 feet. George, you okay, buddy? You're scared. It's okay. This morning, he's 9 feet pushing 1,000. What's happening to my friend? भूख लगी है। फ्रिज में कुछ है खाने के लिए? कुछ भी नहीं है, बाहर जा रहे हैं, ये सोचकर पूरा फ्रिज खाली कर दिया। Trying to call is currently switch off. Please try later. The number you are trying to call. Hello, radio cab. Hello, sir. मैं नारायण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर मैं कनकपुर पिकअप के लिए आया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ है सर। हाँ उसने कोई और कैब ले लिया होगा, तुम वापस आ जाओ। ठीक है सर। कैब वाले को फोन किया 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक नहीं आया। Oh, I can't believe this. बैटरी डेड हो गई। तुम्हारा फोन कहाँ है? राधा के घर में होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा चार्जर कहाँ है? टीवी के नीचे वाले कबर्ड में। Shit! आकाश ओ शिट। आकाश कहाँ जा रहे हो? डू यू माइंड? थैंक यू वेरी मच।
माँ कैसी हैं डॉक्टर? डोंट वरी, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। डैडी। क्या है? दादी मर गई डैडी। क्या? हाँ डैडी, दादी मर गई है। सासू माँ। हाँ? सासू माँ, सासू माँ नहीं रही। बंद करिए, दादा मना कर रहे हैं। हे, तुम थोड़ा चुप रहो। माँ की मौत का वैसे भी बहुत दुख है मुझे। तुम दादा की कहानी मत सुनाओ मुझे। डैडी, दादी के साथ दादाजी किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं। वो दोनों वहाँ बहुत खुश रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज स्टॉप इट विकी, प्लीज। डैडी, आप हर रोज दादी के फोटो से माफी मांगते हो ना? दादा ने आपको माफ कर दिया है, इसके बाद आप सॉरी मत मांगना। मोहन, प्लीज स्टॉप इट विकी। मोहन शांत हो जाओ ना। राधिका, ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है। तुम माफी मांगते हो? किस लिए? डैडी की वजह से मम्मी दादा मर गए थे। क्या? पिताजी मेरे साथ रहने के लिए बेंगलुरु आए थे। पापा, मैं ऑफिस जाके आता हूँ। बेटा, हा? मुझे तकलीफ हो रही है बेटा। कल ही सारे टेस्ट किए थे ना, डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पर टेंशन क्यों लेते हो पापा? आराम करो, कुछ नहीं होगा। मैं शाम को आता हूँ। वो बात नहीं बेटा, मेरी बात मानो। आपको कुछ नहीं होगा पापा, मैं आता हूँ। आराम करो आप। बेटा, बेटा। मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो देखा। पापा, I'm so sorry बेटा, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया था। अगर उस दिन मैं तुम्हारे दादा को हॉस्पिटल लेकर जाता तो आज दादा तुम्हारे साथ में रहते बेटा। आकाश, मुझे डर लग रहा है। आकाश जल्दी आओ प्लीज। Thank you.
लग रहा है आकाश, जल्दी आओ। आकाश! डैडी, आकाश अंकल और जानकी आंटी भी अब मर जाएंगे डैडी। कैप्टन राजू उनको मार देगा, उसमें बहुत शक्ति है, इसलिए दादा भी दादी को नहीं बचा पाए डैडी। आकाश, 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 तुम कहाँ गए थे? क्या किया तुमने? नीचे किसी को देखा क्या? आकाश, तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो? प्लीज से समथिंग। नीचे तुम क्या करके आए आकाश? ये क्या ड्रिंक की स्मेल आ रही है? कोई दिखा क्या आकाश? आकाश बोलो ना आकाश, कोई दिखा क्या तुम्हें? क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? देखा। किसे देखा? मुझे देखा? हाँ, मैंने तुझे देखा। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, मैंने तुमको देखा, तुमको नहाते वक्त, सोफे पे बैठते वक्त, मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख रहा था। What? मैं तुमको कपड़े पहनते वक्त तुम्हारी सुंदरता को देखता हूँ। What's wrong with you, आकाश? मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, देखकर चुप नहीं रह सकता। What are you saying, आकाश? तुम्हारे कुंवारेपन को खत्म करना है। मैं तुम्हारी जवानी लूटना चाहता हूँ। आकाश? हाँ, तुम्हारी सुहागरात से मुझे मुक्ति मिलेगी। आकाश? हाँ, सुहागरात तुम्हारी होगी, मुक्ति मुझे मिलेगी। Shut up, आकाश! जानू कहाँ हो जानू? जानू कहाँ हो तुम? आओ जानू, जानू जानू, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। जानू, 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 तुम बचकर कहीं नहीं जा सकती। सुहागरात मेरे साथ ही होगी। जानू, खेल खेलना बंद करो। जानू, जानू,
जानू 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 खेलो जानू। जानू मत आना पास आकाश में बोल रही हूँ। सॉरी आकाश, लेकिन प्लीज मेरे पास मत आना आकाश। तुम्हारी सुहागरात मेरे साथ ही होगी जानू। मेरे पास मत आना आकाश। पास आओ जानू। सॉरी आकाश, मेरे पास बताना मत मार। तू मेरे पास बताना आकाश। जानू जानू, तुमने मेरे साथ बहुत खेल खेल लिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, आज तुम्हारी सुहागरात मेरे साथ होगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आकाश, आकाश। आकाश, जानकी, आकाश, आकाश। आकाश, आकाश, आकाश,
जानकी क्या हुआ सर? चलो खोलो इसे। सर मैं खोलता हूँ इसे। सर ये अंदर से लॉक लगता है, फिर धक्का मारो। जानकी स्टॉप इट। तो फिर वो बेड से नीचे गिरता है, बेड शीट के अंदर घुस जाता है, तुम्हें दीवार में पटक पटक के मारता है, वो तुम्हें मारने के लिए सब कुछ करता है लेकिन रेप नहीं किया। हाँ सर। ये कैसी प्रॉब्लम है? भगवान की शक्ति के आगे भूत की शक्ति कुछ नहीं होती। दुष्ट शक्ति हमें कुछ नहीं करेगी। दुष्ट शक्तियाँ अपनी चाहत पूरा करने के लिए हम लोगों को वो सिर्फ डरा सकती हैं और वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। हमारा कुछ बुरा करने के लिए इन आत्माओं को शरीर की जरूरत होती है। आत्माओं के पास शरीर नहीं है, ये बात भूलकर वो अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं। उदाहरण के लिए वो खाना खाना चाहती हैं, तो उस खाने को वो सिर्फ देख सकती हैं, लेकिन उसका स्वाद नहीं ले सकती हैं, क्योंकि उसे खा नहीं सकती हैं वो। उस स्वाद के लिए उन्हें एक शरीर की जरूरत होती है जो हाड़ मांस का बना हो। उस इच्छा पूर्ति के लिए वो किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करने लगती हैं, और ये आत्माएं सच्चे लोगों के शरीर में ही प्रवेश करती हैं। समझ गई ना? So, एक आत्मा तुम्हारे पति के शरीर में घुसकर तुम्हारा रेप करने आया है, ये कह रही हो ना? तो तुम अपने आप को बचाने के लिए अपने पति पर चाकू से वार करके उसे घायल कर दिया। हाँ। सर इसकी बात सुनिए सर। सुनाओ। hey, जो तुम मुझसे बता रहे थे वो साहब को भी बताओ। सर वो कॉलोनी बनाते समय कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेकर आया था सर। सब लोग उन्हें कैप्टन राज कह के बुलाते थे सर। वो आदमी नहीं, वो राक्षस था सर। वो किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता था सर। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, नहीं। वो छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ता था सर। एक दिन मेरी जवान बेटी को रेप करके उसे मार दिया सर। वो बहुत कमीना था सर, इसलिए हम सब लोग मिलके कैप्टन राज को खत्म कर दिया सर। हमने उसके टुकड़े टुकड़े करके कंक्रीट में मिक्स करके दीवार बना दिया। यही हुआ था सर। चोरी वेरीफाई किए थे? कर दिया सर। ये बताइए टाइम पीरियड में राजू नाम का व्यक्ति कहीं खो गया है सर, जिसकी कंप्लेंट उसकी पत्नी विजयनगर पुलिस स्टेशन में की है। अभी भी उसका नाम मिसिंग लिस्ट में है सर। उसकी फोटो भेजो। ठीक है सर। सो, तुम्हें रेप करने आया वो भूत है और वो भूत कैप्टन राज की आत्मा है। हाँ सर। मधुमति जी। यस सर। CRPF, CISF, CID, CBI, टास्क फोर्स स्पेशल टास्क फोर्स, KTF लॉग राउंड्स, क्या सब यहाँ हैं? नहीं सर। सबको फोन करके बोल दो। यस सर। सब ऑफिसर्स को बुलाने के बाद अरेस्ट करने के लिए बोलो। यस सर। हम कनकपुरा रोड में जाके एक तांत्रिक को लेकर पता लगाते हैं। यस सर। हाँ तो भूत वहाँ पर है। हेलो, वो भूत वहाँ पर है? नहीं। नहीं तो फिर कहाँ है? यहीं पर है। यहाँ? यहाँ कहाँ? मेरे बगल में। ए, पागल की तरह बात मत कर, सेल में डाल दूंगा। सर रात हो गई है, लेडीज को रात में पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते हैं सर। ठीक है, इसे भेज दो, ले जाओ इसे। हेलो, कल 10 बजे कैप्टन राज के बारे में बात करना है, ले जाओ इन्हें। सर कैप्टन राज की फोटो सर।